हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग करने वाले हैं कम्यूटेटर अलजेब्रा के ऊपर डिस्कशन, एंगुलर मोमेंटम की कम्यूटेशन रिलेशन के ऊपर डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा जो कम्यूटेशन यानी कम्यूटेटर्स की जो फॉर्मुलेज है उसको थोड़ा देख लेते हैं, और जो बेसिक कम्यूटेशन रिलेशन हमें यूज पढ़ने वाली है उसको भी थोड़ा एक बारी देख लेते हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम की कम्यूटेशन रिलेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है कम्यूटेटर्स का, कि अगर कोई दो ऑपरेटर्स है, मान ले ए और बी, दो कोई भी ऑपरेटर्स है ए और बी, तो उसकी जो कम्यूटेटर्स लिखेंगे हम लोग, उसको लिखने का तरीका है कि पहले ए ऑपरेटर देन बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर देन ए ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है बात। अगर यहां पे एक ऑपरेटर ना हो, दो ऑपरेटर हो, जैसे बी और सी अभी लिखा हुआ है यहां पे, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो भाई आप करो क्या कि इन दोनों में से एक तो पहले आगे है, अच्छा यहां पे क्या छूट गया है, एक तो यहां पे आगे है, उसको कुछ नहीं करना। यहां पे दो है ऑपरेटर्स बी और सी, तो उसमें से किसी भी एक को चुन लो, आप पेयर हो। ठीक है, तो मान लो मैंने बी को चुन लिया, तो पहले ए और बी की कम्यूटेटर लिखो और सी को छोड़ दो। छोड़ दो तो लिखो कहां, छोड़ दो तो उसे लिखोगे ना कहीं पे, तो लिखोगे कहां पे, तो वो पीछे है यानी लास्ट में, सबसे तो वो लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर है बात। वैसे ही अब क्या करना है कि जिसको छोड़ा उसको पकड़ लेना है, जिसको छोड़ा उसको पकड़ लेना है, यानी कि ए और सी का कम्यूटेटर लिखा और किसको छोड़ा, अब बी को छोड़ा, बी को छोड़ा, और बी कहां है, आगे है, इन दोनों में आगे कौन है, बी, तो इसलिए बी आगे आएगा। क्लियर है बात। अच्छा, अब यही अगर ये दो ऑपरेटर्स जो पीछे लिखे गए कॉमा के बाद, भाई दो आगे हुआ ऑपरेटर साथ में, तब क्या होगा फॉर्मूला भाई, तो तब क्या है, फिर वही बात है जो यहां पे यूज किया मैंने, वही यूज करने वाला हूं मैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी एक को पकड़ लो इन दोनों में से, जैसे ए को पकड़ लिया मैंने, तो ए और सी का कम्यूटेटर पहले लिखा, बी बाद में, तो बाद में लिख दो। क्लियर है बात। अच्छा, वैसे ही बी और सी का कम्यूटेटर लिखो और ए को आगे लिख दो। ठीक है, जिसको छोड़ा उसका पोजीशन देख लेना, सिर्फ जिसको छोड़ रहे हो उसका आपका क्या देख लेना है, पोजीशन, अगर आगे है तो आगे लिखेंगे, अगर पीछे है तो पीछे लिखेंगे। क्लियर है बात, वैसे लिख दिया है। अच्छा, अब यहां पे कुछ बेसिक कम्यूटेशन रिलेशन है जो यूज पढ़ने वाली है, वो है एक्स और पीएक्स की कम्यूटेटर, दैट इज आयोटा एच कट, वाई और पीवाई की अगेन आयोटा एच कट, जेड और पीजेड की आयोटा एच कट। ठीक है, ये कम्यूटेशन रिलेशन है लीनियर मोमेंटम और पोजिशन ऑपरेटर्स के बीच की। ठीक है, अच्छा ये ख्याल रहे कि अगर यही रिवर्स ऑर्डर में होता, यानी पीएक्स और एक्स लिखा होता, ये माइनस आयोटा एच कट हो जाता, वैसे ही इसके लिए पीवाई, अगर पीवाई और वाई लिखा होता तो माइनस आयोटा एच कट हो जाता, और यहां पे भी अगर पीजेड और जेड लिखा होता तो माइनस आयोटा एच कट हो जाता। क्लियर है बात। अच्छा, अब आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, पीएक्स और पीवाई या पीवाई पीजेड, पीजेड पीएक्स, ये कुछ भी रहे आपके सामने, तो ये सबका कम्यूटेटर क्या आने वाला है, जीरो। मतलब उसका जनरल फॉर्म अगर आप देखें तो पीआई और पीजे होने वाला है जीरो, और आई और जे कुछ भी रहे अगर इक्वल भी है तब भी जीरो, यानी कि पीएक्स का पीएक्स के साथ कम्यूटेटर जीरो आएगा, और पीएक्स का पीवाई के साथ भी कम्यूटेटर जीरो ही आएगा, तो आई और जे बराबर रहे तब भी जीरो होने वाला है, और जे बराबर नहीं रहे तब भी जीरो ही होने वाला है। क्लियर है बात। तो ये बेसिक एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया है, और इसी पे बेस्ड अपना आगे का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम लोग निकालने वाले हैं अभी, वो है एंगुलर मोमेंटम की जो एक्स कंपोनेंट है, एंगुलर मोमेंटम की जो एक्स कंपोनेंट है और एंगुलर मोमेंटम के जो वाई कंपोनेंट है, उनके बीच कम्यूटेशन रिलेशन कैसा होता है वो जानना है। ठीक है, तो पहले हम जान ले कि क्लासिकल मैकेनिक्स में एल को कैसे लिखते हैं भाई, तो आर क्रॉस पी ऐसा लिखते हैं, आर क्रॉस पी। ठीक,
तो यहीं से आर को बेसिकली लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पी को लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो जब मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ मैट्रिक्स से थोड़ा इजी हो जाता है डिटर्मिनेंट साइनिंग, ठीक है। तो जो एक्स कंपोनेंट आएगी एल एक्स की, और जो वाई कंपोनेंट आएगी एल वाई की, और जो जेड कंपोनेंट आएगी एल वाई की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके, ठीक है, क्योंकि आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो लिख दे रहा हूं बेसिकली, और जिस तरीके से मुझे याद है वो ट्रिक भी बता दे रहा हूं मैं। जैसे सॉरी, अगर एक्स लिखना है मुझे, एल एक्स लिखना है, तो एक्स के बाद क्या आता है वाई, तो वाई लिखो, वाई के बाद क्या आता है भाई जेड, तो जेड लिख दो। अब जो बाद में है उसी का मोमेंटम का कंपोनेंट आएगा यहां पे, ठीक है, मतलब जेड है तो पी जेड आएगा, और वाई है तो इधर पी वाई आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एल वाई लिखना है मुझे, तो वाई के बाद क्या आता है भाई जेड, और जेड के बाद फिर साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में जेड के बाद फिर क्या आएगा एक्स, यानी एक्स। तो इसका इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम जेड पी जेड, क्लियर है बात। अच्छा, वैसे ही अगर एलजेड लिखना हो मुझे, एलजेड क्या होगा भाई जेड के बाद क्या आएगा एक्स, साइक्लिक ऑर्डर मैंने कहा है एक्स देन वाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी वाई, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पी एक्स। तो ये फॉर्म है एक्स की वाई की और जेड की, एंगुलर मोमेंटम की एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की, ऐसी फॉर्म है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से ही निकल के आता है, क्लियर है। अब इन्हीं को यूज करेंगे हम लोग एल एक्स और एल वाई की कम्प्यूटेशन रिलेशन क्या होती है उसको निकालने में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, आप ये सब सारा नोट करते रहे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे निकालना है मुझे एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर, ठीक है। तो पहले उसको उसके क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फॉर्म है, मतलब एक्स और पी में जो उसकी वैल्यू है उसको लिख ले, मतलब एक्स और पी के ऑपरेटर फॉर्म। यहां पे ध्यान रहे कि वो वैल्यू नहीं है, वैल्यू बोलना सही नहीं है, वो ऑपरेटर फॉर्म, ऑपरेटर फॉर्म लिख ले एक्स और पी के फॉर्म में। जैसे एक्स के लिए लिख रहे, अभी अभी लिखे थे हम लोग, एक्स के लिए क्या आएगा वाई माइनस जेड, तो यहां पे पी जेड और यहां पे पी वाई, ठीक है। तो ये एक्स के लिए लिख लिया मैंने, वैसे ही वाई के लिए क्या होगा जेड माइनस एक्स, तो जेड के लिए यहां पे पी एक्स और एक्स के लिए यहां पे पी जेड, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब यहां पे आप ध्यान दें कि अभी मैंने आपको बताया भी है उसी रिलेशन का यूज करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, ये पहला टर्म जो है वाई पी जेड और इधर जेड पी एक्स, इनका जब आप कम्यूटेटर्स लेंगे वाई पी जेड और जेड पी एक्स, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि जेड और पी जेड की कम्यूटेटर की कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो ये टर्म तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू कम्यूटेटर का देने वाला है, तो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन जब इस पूरे का ये फर्स्ट टर्म जो है इसका इसके साथ कम्यूटेटर आप लोगे, यानी y pz और x pz के साथ, तो y x के साथ भी कम्यूटेट करता है, y pz के साथ भी करता है, pz x के साथ भी करता है, और pz pz के साथ तो करता ही है। तो यानी इसका और इसका कम्यूटेटर में कोई भी कोई भी टर्म आने वाला इससे रिलेटेड नहीं है, यहां से कोई टर्म हमें मिलने वाला नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू बेसिकली हो जाएगी जीरो, ठीक है। अच्छा, वैसे ही देखिए यहां जेड पी वाई और जेड पी एक्स में, तो जेड जेड के साथ कम्यूट करेगा, जेड पी एक्स के साथ कम्यूट करेगा, वैसे ही पी वाई जेड के साथ कम्यूट करेगा और पी वाई पी एक्स के साथ करेगा, तो यहां से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहां यहां देखें तो z और pz यहां भी दिख रहा है आपको, ये pz है, ध्यान से
तो यानी ये टर्म आपको कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा और ये भी करेगा, तो बस यही दो टर्म को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि वही दो टर्म हमारे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, अच्छा तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला टर्म, ये और वहां से, तो y pz, ये वाले एरो देखें, y pz और z px, तो एक तो ये आ गई। ठीक, दोनों का आगे पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन रहा। अब एक ये टर्म कंट्रीब्यूट करेगी, ये वाली, तो यहां भी माइनस साइन है, यहां भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर लिख देंगे आप जेड पी वाई और इधर एक्स पी जेड। अब इसी कम्यूटेटर्स को मेरे को सॉल्व कर देना है, इसी कम्यूटेटर को सॉल्व कर देना है, सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए यहां ए बी सी डी टाइप हो गया है, ए बी, इसे इसे ए मान ले, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ये डी मान ले। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा नहीं था लेकिन सेम फंडा वही है। मतलब ये कि आप ए और बी में से किसी भी एक को पकड़ लें, ठीक है, और जिसे भी पकड़े अगर वो आगे वाला है तो आगे छोड़ दे और बाकी को लिख दे। वैसे ही बी वाले को पकड़ दे, हाँ मतलब बी वाले को पकड़ेंगे तो ए को आगे छोड़ना होगा, और अगर ए वाले को पकड़ेंगे तो बी वाले को पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, वैसे ही इसके साथ भी कर लेंगे, मतलब करके दिखा देता हूं मैं क्या करने वाला। जैसे यहां पे देखें, वाई को मैंने छोड़ा यानी आगे लिखा, तो लिखेंगे क्या पीजेड और इधर जेड पी एक्स। ठीक है, ये अच्छा, अब ध्यान दें कि y को छोड़ा तो ये लिख दिया। ठीक, अब क्या होगा कि जो अगला टर्म होगा वो ऐसा होगा कि हां pz को, सॉरी pz पीछे है तो यानी कि y और z px और pz पीछे है तो pz पीछे लिखना पड़ा। ठीक है, बस यही फंडा यूज किया मैंने। ठीक है, अभी मैंने बस ऐसा सोचा कि ये ए बी है और ये पूरा चीज सी है, ऐसा मान लो ये ए बी है और ये पूरी चीज सी है, तो यानी ए को छोड़ा बी विद सी प्लस ए विद सी और बी पीछे, ऐसा है। ठीक है, वैसे ही वहां पे भी कर लेते हैं, चलिए आते हैं। मतलब जेड को छोड़ेंगे और पी वाई का एक्स पी जेड के साथ, क्लियर है बात, प्लस अब किसको छोड़ेंगे पी वाई को, यानी कि पीछे जाएगा वो, यानी ऐसा जेड एक्स पी जेड और पी वाई पीछे। अब इसमें से देखिए कुछ कुछ टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, फिर से वही कॉन्सेप्ट। तो जैसे यहां पे देखें कि y z के साथ कम्यूट करता है और y px के साथ भी कम्यूट करता है, तो इसे जब भी आप खोलेंगे, जो फॉर्मूला मैंने दिया है a विथ bc वाला, और ये तो बाहर रहेगा ही पूरे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, लेकिन जो भी यहां पे टर्म खुल के आएगा, y एक z के साथ आएगा, एक y px के साथ आएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, तो मतलब वो टर्म जीरो होता है, कम्यूट करते हैं मतलब वो टर्म क्या होता है, जीरो, तो वो टर्म कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, यानी ये टर्म हो जा रहा है जीरो। ठीक है, वैसे ही आप यहां देख ले, हाँ ये टर्म, इसे पी वाई एक्स के साथ कम्यूट करेगा और पी वाई पीजेड के साथ भी कम्यूट करेगा, तो ये टर्म भी हो जाना है जीरो, तो आप इसे हटा ही दे, ये दोनों टर्म को यहां से हटा ही देते हैं, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म कंट्रीब्यूट करने वाला है इसके लिए, और उसे कैलकुलेट कर देंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसे हटा देना है भाई, हटा दो, और इसे भी हटा देना है, तो यही दो टर्म बच जाएगा, इसे ऊपर लिख लेते हैं जेड एक्स पीजेड और पीछे है
पी वाई, ठीक है, ऐसा इसे ही सॉल्व करना है। अब देखें वही वाई तो आप बाहर रखें, वो तो बाहर है ही, ठीक है, वाई तो बाहर है ही। अब यहां देखें ए विथ बीसी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए विथ बीसी, यानी कि इसे आप ऐसे रखें पी जेड विथ जेड, एक तो कम्यूटेटर ये आएगा और पी जेड विथ जेड यानी पी एक्स पीछे बचेगा, पीछे है वो तो पीछे होगा, प्लस पी जेड विथ पी एक्स और जेड आगे है तो जेड आगे होगा, तो एक तो ये आ गया यहां से, ठीक, वैसे ही यहां से निकाल लेते हैं, मतलब प्लस z का x के साथ कम्यूटेटर, z का x के साथ कम्यूटेटर pz पीछे है तो पीछे रहेगा, प्लस z का pz के साथ कम्यूटेटर x आगे है तो आगे रहेगा, और इस पूरे में py कहां है, पीछे, तो पीछे रहेगा वो, क्लियर है बात। चलिए थोड़ा सा अब यहां पे देखें आप कि ये टर्म जो है pz और px अभी भी बताया कि वो क्या होगा, कम्यूट करेगा, i और j बराबर रहे या ना रहे, ये टर्म जीरो, वैसे ही ये टर्म भी जीरो, x और z भी कम्यूट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचा और ये टर्म बचा है, ठीक है, तो इसे भी हटा लेते हैं अब। चलिए मतलब ये टर्म भी यहां से हो गया गायब और यहां से ये टर्म भी हो गया गायब, ठीक है, तो इस चीज को ऊपर लिख लेते हैं, इसी चीज को कहां लिख लेते हैं, ऊपर, तो इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं ऊपर, यानी ये वाली पूरी चीज ऊपर जाएगी, यानी ऐसा, इसका आगे प्लस साइन था ना, हाँ तो प्लस हो गया ही जाएगा, यानी x विथ z pz और py पीछे है, ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें pz और z, मैंने अभी अभी बताया है z और pz के कम्यूटेटर आयोटा एच कट, और रिवर्स ऑर्डर में होगा तो माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट पी एक्स, क्लियर है बात, प्लस x, और इसकी आएगी z pz है सेम ऑर्डर में तो आयोटा एच कट, और यह होगा पी वाई। अब देखें हाँ आयोटा एच कट क्या है, कॉमन, आयोटा एच कट क्या है, कॉमन, आयोटा एच कट कॉमन, और प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी एक्स पी वाई माइनस वाई पी वाई, ठीक है, और ये कुछ नहीं है, अभी अभी हमने लिखा है, ये कुछ नहीं तो LZ है, क्या है, LZ, तो ये आ गया है। अच्छा चलो यहां पे लिख लेते हैं, ये किसके बराबर आ गया है, आयोटा एच कट, और ये वाली पूरी टर्म है LZ, तो आ गया कि LX और LY की कम्यूटेटर होगी आयोटा एच कट LZ, क्लियर है बात, तो वैसे ही जब Lx और Ly की कम्यूटेटर होगी आयोटा एच कट Lz, तो आपके लिए कुछ अब होमवर्क रहेगा, और वो है, अच्छा इसे आप लिख ले, जिसे आप करेंगे, और वो है Ly Lz, ये आता है आयोटा एच कट Lx और LZ LX, ये आता है आयोटा एच कट
एल वाई, ठीक है। और ध्यान रहे इसमें भी ऑर्डर अगर फ्लिप कर दे यानी एल वाई एल एक्स लिख देते तो माइनस आयोटा एच कट हो जाता, यहां भी फ्लिप कर दे तो माइनस आयोटा एच कट एल एक्स हो जाता, और यहां भी वैसे ही फ्लिप कर दे यानी एल एक्स एल जेड कर दे तो माइनस आयोटा एच कट एल वाई हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये जो आपके सामने लिखा गया है इसे मैं यहां पर लिख देता हूं एल एक्स एल वाई, ये आयोटा एच कट एल जेड से तो मैंने निकाला ही है अभी, तो ये जो है इसे ही कहते हैं क्वांटम अलजेब्रा ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं? क्वांटम अलजेब्रा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्वांटम अलजेब्रा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अब खास बात क्या है इसमें कि देखे ये रिजल्ट तो प्रूफ हुआ है एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, यानी एलएक्स को या एलवाई को या एलजेड को जो फॉर्म में लिखा गया था वाई पीजेड ऐसा करके फॉर्म में लिखा था मैंने अभी कि एलएक्स क्या होता है एलवाई क्या होता है वो सारा आया था एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स ही, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो अलजेब्रा है इसे हम लोग कहते हैं ली अलजेब्रा, जो मैथमेटिशियंस बहुत यूज करते हैं एक्चुअली हम लोग बहुत बारी मैथमेटिक्स की ब्यूटी को सही जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं। मतलब क्या कहूं मैं कि बहुत बार उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्या है कि यहीं से ये जो अलजेब्रा है यहीं से एक्चुअली स्पिन अलजेब्रा भी डेवलप होता है, यानी कि यहीं से आता है एक्स एस एक्स एस एक्स एस वाई होगा तो आयोटा एच कट एस जेड होगा, ठीक है। बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये आपको एक स्ट्रक्चर जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहा है। अब वो क्या होता है भाई, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि ये जो है ये सारे कहीं ना कहीं आपको सिमेट्रीज के बारे में बताते हैं। जब हम लोग हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ेंगे स्फेरिकल हार्मो हाँ वहां पे भी आपको पता चलेगा कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो बहुत ही हेल्प करता है जहां पे भी स्फेरिकल सिमेट्रीज की बात आती है, ठीक है। तो बेसिकली इसे मैथमेटिशियंस कहते हैं SU2 ग्रुप, यानी स्पेशल यूनिटरी ऑफ टू डायमेंशनल ग्रुप, ठीक है, स्पेशल यूनिटरी ऑफ टू डायमेंशनल ग्रुप। और रोटेशन के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ थ्री डायमेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रूफ भले ही एक्स और वाई को लेकर किया गया था लेकिन ये बहुत ही कॉन्क्रीट है अपने आप में, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इन डेप्थ स्ट्रक्चर्स को बेसिकली बताता है। वो ज्यादा फील होगा जब हम लोग हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम्स में क्यों हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं उसे सॉल्व करने में, वो भी फील आपको आ जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। यहां से उसका रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम से उसका रिलेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सीखा है कि कम्यूटेशन रिलेशन एंगुलर मोमेंटम की कैसे होती है और कैसे लाई जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स हाइड्रोजन एटम इन सब पे भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लाया जाए उसे। सो थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।